हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रवि क्लासेज पर। जैसा कि हम आज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम आपके लिए पार्ट 3, जो भारत से हम क्या सीखे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जिनका लेखक है मैक्स मुलर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? ऑप्शन ए गांधी जी, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी अंबेडकर जी, डी गुणाकर मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दरिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ए हेकल को, बी हकर्स को, सी बिरेंडग वायरन हेस्टिन को, डी विलियम जोन्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बारेन हेस्टिन को। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ए ग्रीक में, बी लैटिन में, सी हिंदी में, डी जर्मन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जर्मन में। चौथा क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? ए मैक्स मुलर ने, बी गुणाकर मूल्य ने, सी नलिन बिलोचन ने, डी अमरकांत ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार का, ए मैक्स मुलर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ए ग्रीक में, बी जर्मन में, सी हिंदी में, डी लैटिन में। तो पांच का सही आंसर हो जाएगा बी, जर्मन में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? ए हिंदी का, बी जर्मन का, सी संस्कृत का, डी उर्दू का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत का। सातवां क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? ए 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी में, बी 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी में, सी 24 अक्टूबर 1900 के, और डी 28 अक्टूबर 1900 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 28 अक्टूबर 1900 में। आठवां क्वेश्चन देखिए, पारसियों का धर्म क्या नाम है? पारसियों का धर्म का क्या नाम है? ए गौतम, सॉरी, ए बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, और डी जरथुरस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा जथुर। नौमा देखिए, जनरल कनिंगम का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान से, बी भू विज्ञान से, सी पुरातत्व से, डी मनोविज्ञान से। तो नौ का सही आंसर हो जाएगा सी, पुरातत्व से। दसवां क्वेश्चन देखिए, 172 दरसिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ए दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी वाराणसी में, और डी श्रीनगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी में। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की है? ए मैक्स मुलर को, बी अमरकांत को, सी बिरजू महाराज को, डी अशोक वाजपेयी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मैक्स मुलर को। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए बिहार में, तो ये तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय। निवंश विद्या का संबंध किससे है? ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, और डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, मानव विज्ञान से। 14 नंबर देखिए, दारिस क्या है? ए चांदी का प्राचीन सिक्का, बी सोने का प्राचीन सिक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोने का प्राचीन सिक्का।
मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? ए 16 सितंबर 1823, बी 6 अक्टूबर 1823, और सी 6 नवंबर 1823, और डी 6 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। प्लूटो का संबंध किस देश से है? ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यूनान से। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ए विनोद, ओ सॉरी, ए विवेकानंद, बी मैक्स मुलर, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, और डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मैक्स मुलर। बी मैक्स मुलर इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, सहनामा का रचना काल है? ए 7वीं 8वीं सदी, बी 10वीं 11वीं सदी, और सी 4थी 5वीं सदी, और डी 6ठी और 5वीं सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10वीं 11वीं सदी में सहनामा का रचना काल हुआ था। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए इग्निस, बी अग्निस, सी इग्निस, और डी ओग्निस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इग्निस। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरकस थे? ए वनस्पति विज्ञान, बी भूगर्भ शास्त्री, सी प्राणी वैज्ञानिक, और डी पुरातत्ववादी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। 21 नंबर देखिए, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की? ए 1957 ईस्वी में, बी 1750 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, और डी 1783 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 1773 ईस्वी में। 22 नंबर देखिए, मुंडा किस देश की जाति है? ए मंगोल का, बी चीन का, सी मुल्तान का, और डी भारत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारत का मुंडा। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ए भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? ए दिल्ली के पास, बी मुंबई में, सी शहरों में, और डी गांव में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत कहाँ निवास करता है? ग्राम में, गांव में। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए रत्ना पार्क नेपाल, बी डेसाऊ जर्मनी, सी वाशिंगटन अमेरिका, और डी दिल्ली भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डेसाऊ जर्मनी में हुआ था। वारेन हेस्टिंग था? ए भारत का गवर्नर जनरल, बी फारस का राजा, सी महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत का गवर्नर जनरल थे। 27 नंबर देखिए, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विलहेम मुलर, हेस्टिंग मिलर, जॉनसन मुलर, या पीटर मुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, विलहेम मुलर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्न मानव का अर्थ होता है? लघु मानव, बी महामानव, सी प्राचीन मानव, डी निर्धन मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का, ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, प्राचीन मानव। 29 नंबर देखिए, किसे वाराणसी के पास सोने से सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? ए वारेन हेस्टिंग को, बी विलहेमा मुलर को, सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वारेन हेस्टिंग को मिला था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? ए विधि शास्त्र, बी नीति शास्त्र, नीति कथा, सी भाषा विज्ञान, और डी देवत विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीति कथा। तो आज का 30 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, फिर मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ।
तब तक के लिए मेरा वीडियो अगर अच्छा आपको लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।